जो हो रहा है, खुली छूट दे रखी है ईडी को, जो ईडी को बिना किसी सीमा के, बिना किसी प्रतिबंध के एक चुनावी प्रदेश में जाकर इस प्रकार के आरोप लगाने की, दिन प्रतिदिन आज तीसरा प्रेस रिलीज आया है ईडी का, साझेदारी का इससे अच्छा कोई प्रतिबिंब और प्रमाण नहीं होगा। और हर प्रकार के आरोप आते हैं, और ये सब चीजें एक हफ्ते और चार दिन पहले हो रही हैं। तो हम इसलिए हमने मांग की 4 तारीख को विस्तार से चुनाव आयोग से कि आप हमें सुनिए, हमारा रिप्रेजेंटेशन देखिए और तुरंत इसमें हस्तक्षेप करिए। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि 5 तारीख को हमें लिखित कंफर्मेशन आ गया है कि चुनाव आयोग हमको आज यानी सोमवार को मिलेगी 4:30 बजे, और हमारे मित्र सब हमारे साथ जाने वाले थे, आपके साथ बैठे हैं यहाँ पर, सब तैयारी थी, और फिर एक कैंसिलेशन की चिट्ठी आई कि साहब हम व्यस्त हैं, और व्यस्तता ऐसी है कि हम आपको 8 या 9 को बुलाएंगे। तो ये तो जाहिर है कि इस चुनाव का जो मूल मुद्दा हम उठा रहे हैं अभी के लिए आपके पास, और कई मुद्दे हैं, वो है समतल जमीन का, फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड का, इस प्रकार से द्वेष भरे प्रेस वार्ताओं और वक्तव्यों का, तो उसको आप 7 तारीख के चुनाव के बाद निर्णित करेंगे, हमको सुनेंगे 8 तारीख को, नोटिस देंगे और निर्णित करेंगे कब, 17 तारीख को? और क्या 2 चरण के चुनाव में एक प्रदेश में 1 चरण खत्म हो जाए वो कोई महत्व नहीं रखता? तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, मैं दोषारोपण की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे मामलों में तुरंत इसका अगर कोई औचित्य है और कोई इसका रेलेवेंस है, संदर्भ है, तो वो सिर्फ अभी 7 तारीख के पहले है। तो मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक चीज और बोलना चाहूंगा, एक और वक्तव्य आया। देखिए, एक तो आता है प्रेस वक्तव्य, मुख्यमंत्री जी ने अभी रायपुर में कहा है कि बीजेपी ने पहले रेस किया इस वक्तव्य के बारे में, जिसमें मैनेजर, जो तत्कालीन मैनेजर था, वो आजकल अपने आप को ओनर कह के आरोप लगा रहा है बघेल साहब के ऊपर, और उस बीजेपी के प्रेस स्टेटमेंट के बाद ईडी का भी प्रेस स्टेटमेंट आया है, ये साझेदारी का एक और पहलू है। मैं आपको एक और वक्तव्य विचित्र बताना चाहता हूं, ये माननीय चंद्रशेखर जी जो मंत्री हैं आईटी मिनिस्ट्री के, उनका वक्तव्य है। इसमें एक और अजीबोगरीब बात यह है कि वो कहते हैं, कोट कर रहा हूं, हाउएवर दे डिड नॉट डू सो एंड नो सच रिक्वेस्ट इज मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट व्हाइल दे हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग इट फॉर द लास्ट 1.5 ईयर्स। इनफैक्ट द फर्स्ट एंड ओनली रिक्वेस्ट रिसीव्ड हैज बीन फ्रॉम ईडी एंड इट हैज बीन एक्टेड अपॉन। नथिंग प्रिवेंटेड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट फ्रॉम मेकिंग सिमिलर रिक्वेस्ट। ये क्या रिक्वेस्ट है कि ऐप को शट डाउन करो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।